हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल MRF टेक्निकल फैसिलिटी यूट्यूब चैनल। गाइस, आपकी सेटिंग में एक स्पेशल फीचर्स होता है, आप यहाँ पे कभी गए नहीं होंगे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पांच चीज़ें, पांचों चीज़ के बारे में बताऊँगा। गेम टर्बो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे एक गेम आपको ऐड कर लेनी होगी जो गेम को आप बूस्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐड कर दिया है, एंड या प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप लोग कोई सा भी गेम ऐड कर सकते हैं जो आप लोग चाहते हैं कि गेम जब मैं ओपन करूँ तो सबसे पहले वो बूस्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इजीली आप कोई सा भी गेम मतलब ऐड कर सकते हैं। और इसके दौरान क्या होता है गाइज, आप लोग जब इसको ऐड कर देंगे तो जब आप गेम खेलेंगे BGMI को, तो आप लोग इजीली कोई अदर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव एडेड गेम्स फ्रॉम होम स्क्रीन, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो होम स्क्रीन पर से, मैं अभी बैक चल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है वो शो नहीं कर रहा, मतलब जो मेरा गेम्स है वो हाइड हो चुका है। अभी वो कहाँ गया है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो कैसे निकलेगा। अभी यहाँ पे इजीली दो चीज़ें, दो चीज़ के बारे में आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ स्वाइप फ्रॉम द टॉप साइड इज ऑफ द स्क्रीन टू व्यू, मतलब आपको सबसे ऊपर किनारे पे स्वाइप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप पे, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे या लेफ्ट या राइट पे आपको स्वाइप करना होगा, तो आपका जो गेम है वो निकल के आएगा। अगर वो नहीं निकल के आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो होम स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑफ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है होम स्क्रीन शॉर्टकट, आप लोग इस पर क्लिक करके एक शॉर्टकट बना लीजिएगा ये इस मतलब गेम टर्बो का। इससे क्या होता है ताकि आप लोग ईजिली उस ऐप के अंदर जाके गेम को ओपन कर सके, और इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने गेम अपने फ़ोन में रखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेम टर्बो का नाम का एक आइकन मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट मिल चुका है। तो अब इस शॉर्टकट को आप कहीं भी इजीली रख सकते हैं, इससे पता नहीं चलेगा, सब ये समझेंगे कि इसके अंदर गेम डाउनलोड करने का तरीका होगा, ये नहीं समझेंगे कि इसके अंदर पूरा गेम ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप लोग इजीली यहाँ पे खेल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने शॉर्टकट को हटा दिया एंड रिमूव वो भी हटा दिया ताकि गए वो स्क्रीन पर शो करने लगे मेरा पबजी। ओके, अभी गाइज मैं स्पेशल फीचर्स में जाके आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन का यूज़ किस लिए होता है, ताकि आप लोग अगर कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं गैलरी से तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप लोग किस ऐप से वीडियो को प्ले करना चाहते हैं, विंक म्यूजिक, MI, शेयर इट, एंड अगर आपके फ़ोन में MX प्लेयर भी है तो वहाँ से भी वो ऑप्शन बताने लगता है कि आप लोग यहाँ से इसको प्ले करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं प्ले तो यहाँ से आप लोग उसको मार्क को हटा सकते हैं, ताकि आपकी जो वीडियो प्ले होने वाली है वो डायरेक्टली गैलरी से ही प्ले हो जाए, कोई ऑप्शन ना आए। ताकि मतलब बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन आते हैं कि आप लोग किस ऐप से मतलब ओपन करना चाहते हैं गेम को प्ले कर वो सॉरी वीडियो को प्ले करना चाहते हैं, तो MX प्लेयर काफ़ी सारे वो आ जाते हैं जिसके फ़ोन में होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा है फ्लोटिंग विंडो, ये बहुत कमाल का गाइज। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई SMS आता है गाइज, इनबॉक्स वाला मैसेज नहीं आता, तो अगर आप गेम खेल रहे हैं या WhatsApp या Instagram कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर से ही मैसेज को रीड कर लूँ और SMS के अंदर ना जाना पड़े, तो इसलिए फ्लोटिंग विंडो का यूज़ होता है। मतलब फ्लोटिंग विंडो इसीलिए फ़ोन में दिया होता है, ये ऑलरेडी सबके फ़ोन में होता है, बट ये आप ये मत सोचिए कि मैं इसको ऑन करूँ तो होगा, ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पर ये तरीका लिखा हुआ है कि आप लोग इसको ऐसे करके मैसेज को रीड कर सकते हैं, देन ऐसे करके इसको हटा सकते हैं, और आपको पूरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इजीली आप लोग यहाँ पे कैसे क्लोज करेंगे व्यूइंग, पूरा तरीका बना हुआ है, मतलब पूरा तरीका लिखा हुआ है, आपको समझाएगा कि ऐसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो फ्लोटिंग विंडो का जो ये फीचर्स है ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। तो काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो अभी मैं स्पेशल फ़ीचर्स में पाँच चीज़ आपको बताऊँगा, इसमें से आपको कौन सी चीज़ बढ़िया लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फ्लोटिंग विंडो के बारे में हो गया, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो दो चीज़ बचा, मैं अभी आपको सेकंड स्पेस के बारे में बताऊंगा। सेकंड स्पेस में क्या है गाइज, आप कोई मतलब जब आप लोग सेकंड स्पेस को ऑन करेंगे तो आपका जो डाटा है वो हाइड हो जाएगा। देखो गाइज, जब मैंने इसको ऑन किया तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ हाइड हो चुकी हैं, वो अभी कैसे निकलेगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोग सेकंड स्पेस को ऑन करते तो आपकी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ हाइड हो जाएंगी, और वो कहाँ जाएंगी ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आप लोग सेकंड स्पेस को ऑन मत करिएगा क्योंकि यार इसका कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लाइट मोड पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं नीचे कॉर्नर पे आपको राइट साइड ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग एसेबिलिटी वॉल्यूम यहाँ पे निकाल सकते हैं। लाइट मोड पे क्लिक करिएगा गाइस, जो सबसे लास्ट वाला है लाइट मोड, लाइट मोड पे क्लिक करने के बाद में टर्न ऑन लाइट मोड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो ऐप्स है वो बड़ा हो जाएगा, जो आपके होम स्क्रीन का ऐप्स है। मैं इसको ऑन करके बैक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बड़ा हो चुका है। अभी यार इतना बड़ा तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो अगर आपको सही लग रहा है तो रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐप्स ही सिर्फ आपको ऐप्स बड़े नहीं दिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो मतलब राइटिंग होती है वो आपकी, वो भी आपके फॉन्ट्स जो है वो भी बड़ा दिखने लगेगा। लाइट मोड पे जाके इसको मैं टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है काफ़ी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। अभी गाइस स्पेशल फीचर्स में जो पाँच चीज़ मैंने बताया उसमें से आपको कौन सी चीज़ बढ़िया लगी, कौन सा मतलब बढ़िया लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कुछ भी पूछना है तो इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। एंड चलो गाइस चलता हूँ, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।